तो मैं आदरणीय राधा दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि जो दीदी जी का जो अनुभव है दादी जी के साथ हमारे बीच में रखें, ताकि हम उससे लाभ ले लें और हमारा जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राप्त करें। और हमें भी जीवन में अगर सीखना है तो दीदी जी का अनुभवों का आधार से अपने जीवन को महान बनाएं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी जी, ओम शांति। एक बार की बात हमारे भाई ने बताया, 8-10 दादियां और सीनियर दादियां थी 60s के आसपास, 1900 थे। दादी जी उसमें छोटी सी उम्र में छोटी थी। सभी दादियां बैठी है, एक जो भविष्यकार जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था वो आया वहाँ सेंटर पे आकर सबको देखते हुए दादी जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ समय के बाद ईश्वर इनके आँखों से कोई बहुत बड़ी सेवा कराने वाले। 1960s की बात है ये, 1960 में कहा, कुछ समय के बाद ईश्वर के द्वारा इनकी आँखों से बहुत बड़ी एक सेवा करने वाले। कोई सोच नहीं सकता था ये दादी जी का ऐसा विचित्र पाठ खोलेगा। तो ऐसे ही अद्भुत पाठ रहा। दादी के लगाने गए, सात वाली बहन ने कहा, दादी हम नहीं देख सकते, वो तो उठ करके बाहर गई। दादी जी को पूछा, दादी आपको तकलीफ हुई? तो कहते, मैं तो अशरीरी बन गई, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ इंजेक्शन लगा मुझे। तो सहनशीलता की मूरत और शरीर के देह भान से डिटैच होने की आदत, विदेही बनने की आदत ऐसी जबरदस्त थी।